60,000 के रेंज में अपन एक लैपटॉप के बारे में ज़रा डिस्कशन करना चाहते हैं। पहले तो 50,000 में है ना, गेमिंग नहीं करनी, वीडियो पैड उठा लो, ठीक है। 1650 GPU है तुमको, गेमिंग करनी नहीं उतनी हल्की, एकदम बेसिक कुछ नहीं करनी है ना, लेकिन ठीक ठाक ओवरऑल काफ़ी अच्छा लैपटॉप 50 में। MSI ब्रावो 15 मैक्सिमम लोगों के लिए है ना, जिसको गेमिंग करके करनी, अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, 8 GB RAM डाल लो 50,000 के बाद, काफ़ी अच्छा चलता है। ठीक, अब आते हैं 60,000 में। 60,000 में ये ना हो जाएगा तुम्हारा चीपेस्ट 3050 लैपटॉप, ये जो लैपटॉप है तुम्हारा चीपेस्ट 3050 लैपटॉप हो जाएगा। और बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे 5600H प्रोसेसर भी है, 120Hz स्क्रीन है, 16 GB RAM, मोस्ट लाइकली ये सिंगल रैम है, सिंगल चैनल है, चूंकि हर बार अलग अलग जगह से सोर्स होकर आते हैं मॉडल, तो हो सकता है अभी ये हो फिर बाद में चेंज कर दो, लेकिन मोस्ट लाइकली ये सिंगल चैनल है, जो बहुत दुख की बात है, दो डुअल चैनल होना चाहिए था। हाँ लग रहा है एस बिल्ट में हर जगह 16 GB ही दिख रहा है मुझे, है ना, तो आएगा मैं वही, मुझे वही लग रहा है 15 CH6 इसमें सिंगल चैनल की रैम है, और सिंगल चैनल AMD में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको खोल के बेचने से अच्छा है एक दूसरा 16 GB का रैम बाद में लगा लेना। फिर भी 5600H है, 16 GB रैम, सबसे अच्छी बात है इसमें 3050 है, 3050 है ये 85 W का, 3050 है ये 85 W का, ठीक है। तो ये इसमें अच्छी बात है ना, काफ़ी अच्छी बात है इस लैपटॉप की। तो 7,000 में जो थोड़ा ऊपर एकदम नहीं जा सकते हैं, बड़ी मुश्किल से 60 पे आए हैं तुमको। देखो इस लैपटॉप है ना, जैसे MSI ब्रावो या इस लैपटॉप को पकड़ो, दोनों में ऑफिस नहीं है, दोनों में 8 GB RAM एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा तुमको अलग से 2,000 रुपये डाल के, तो ये 52 के करीब आ जाएगी। 8,000 रुपये तुम ज़्यादा दे रहे हो, तुम 3050 का दे रहे हो, 8,000 रुपये बेसिकली ज़्यादा। लेकिन एज बिल्ट लैपटॉप जैसा है तुम्हारा काम चल जाएगा, ऑफिस ऑफिस हो जाएगा, 5600H और 3050, ठीक है। इसी के नीचे एक दूसरा लैपटॉप है जो भाई के पास था पहले, 8200A PIN 3050 95 W का मक्स स्विच वाला, 8 GB RAM वाला है ना। अगर उससे कंपेयर करो ना, तो जैसे कि 10500H का स्कोर केवल सिंगल में 1100 और 4-5 हज़ार के करीब आता है, 8 GB RAM के, 16 GB RAM के साथ, तो इसका स्कोर 1300 से 7,000 के करीब आता है, ठीक है ना। तो वो है थोड़ा अच्छा, ऐसे बात नहीं, ये थोड़ा अच्छा है, इनफैक्ट ये मतलब ये ज़्यादा अच्छा है उससे CPU के मामले में। और मेन बात है पैसे भी तो बच रहे हैं इसमें तुमको, फिर 2 8 GB का फिर रैम खरीदना पड़ेगा इसमें ऑफिस वगैरह, तो ये फिर भी अच्छा है जिसके लिए गेमिंग ना सेकेंडरी है, लेकिन 3050 को चाहिए, मतलब कि हाँ भैया अब 3050 पे, जैसा मैं पहले भी कहा है कि कम से कम 3050 लो, 3050 से कम ना लो, ठीक है। तो ये लैपटॉप उस रेट में काफ़ी अच्छा, ऊपर नीचे की बात बाद में करेंगे, नीचे के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि भाई बजट नहीं है तो दोनों में से कोई एक पकड़ लो, या तो आइडिया पैड गेमिंग, MSI बड़ा वो, आइडिया पैड में थोड़ा GPU का बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा तुम्हारा, या इसमें तुम्हारा क्या कहते हैं GPU थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। चलो ये बात,